So we have studied different phases of lifespan on common basis, जैसे कि वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज हमने पढ़ा, एडोलेसेंट व्हाट हैपेंस इन एडोलेसेंट एंड व्हाट हैपेंस इन एजिंग एंड सेनेसेंस। तो ये तो हो गया कॉमन बेसिस पे सबका लाइफ स्पैन। अब हमने देखना है कि व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ प्लांट्स स्पेसिफिकली एंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एनिमल्स स्पेसिफिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, प्लांट्स से। तो प्लांट्स में हम पहले पढ़ेंगे एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं, दीज आर दोज प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल वंस इन ए सीजन। कि एक ही सीजन में वो क्या करते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं एंड देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड देन फ्रूट्स एंड देन दे डाई। नेक्स्ट इज बाइनियल। बाइनियल क्या होते हैं, दे रिक्वायर टू कंप्लीट सीजन्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। दैट मीन्स एक फर्स्ट सीजन में वो क्या करते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो करेंगे एंड सेकेंड सीजन में वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एज वेल एज देन फ्रूट्स एंड देन दे डाई। एंड इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेरिनियल। पेरिनियल क्या करती हैं, दे कंटिन्यू टू ग्रो वेजिटेटिवली थ्रू देयर लाइफ स्पैन एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ड्यूरिंग देयर स्पेसिफिक सीजन्स। कभी कोई उनका स्पेसिफिक सीजन आता है उसमें ही वो क्या करते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्रोड्यूस करते हैं एवरी सीजन में, जब भी वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं। इसके अलावा देयर आर सम अदर टर्म्स। इसमें सबसे पहले व्हाट आर मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ स्पैन। जो अपने लाइफ स्पैन में ओनली एक ही बार फ्रूट्स और फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जितने भी एनिमल्स हैं या बाइनियल हम कह लूं और कह लें, ऑल दे कम इनटू इस मोनोकार्पिक में आते हैं। जैसे कि राइस एंड वीट एक तरह का जो एनिमल है, दे ऑल्सो कम इनटू मोनोकार्पिक। सनफ्लावर है, दे ऑल्सो कम इनटू मोनोकार्पिक। रेडिश एंड कैरेट है, दे आर ऑल कम इनटू मोनोकार्पिक प्लांट्स। तो इसके अलावा सेकेंड पार्ट है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या होते हैं, दीज आर दी प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ड्यूरिंग दी स्पेसिफिक सीजन्स। और जितने भी पेरिनियल आते हैं वो इसी में ही आते हैं। ऑल दी पेरिनियल जैसे कि जो फ्रूट्स के जितने भी फ्रूट्स ट्रीज हैं, मैंगो एप्पल ग्रेप्स, ये सब स्पेसिफिक सीजन में ही हम खाते हैं। तो ये किस में आते हैं, ऑल दे कम इनटू द पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक मींस हर स्पेसिफिक सीजन में वो फ्रूट्स करेंगे प्रोड्यूस एंड फिर नेक्स्ट सीजन जब भी आएगा उनका तब वो करेंगे, लेकिन दे विल नेवर डाई। यानी कि कॉन्टिन्यूसली वो ग्रो भी करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन एंड स्पेसिफिक सीजन्स में वो क्या करते हैं, फ्रूटिंग भी करते हैं। तो दीज आर रिगार्डिंग एनुअल बाइनियल पेरिनियल मोनोकार्पिक एज वेल एज पॉलीकार्पिक प्लांट्स। इसके अलावा सम ऑफ द स्पेशल केसेस दैट हैज बीन मेंशन इन एनसीईआरटी, उसमें जैसे कि बैम्बो है। बैम्बो इज ए पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लांट। इट इज एन एक्सेप्शनल केस, वह तो ये पेरिनियल ही, लेकिन ये कौन सा है, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक मींस ओनली वंस इन ए लाइफ स्पैन इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एज वेल एज फ्रूट्स। जैसे इसका लाइफ स्पैन कितना बताया गया, 50 to 100 ईयर्स में। तो 50 to 100 ईयर्स के बाद ये एक ही बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, ये फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, देन इट विल डाई। इसके बाद आते हैं स्ट्रोबिलस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इसको हम नीला कुरंजी भी बोलते हैं। तो इट इज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन साउथ इंडिया ऑल्सो। क्यों, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन कितना है, इट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के बाद ये प्रोड्यूस करता है। लास्ट टाइम इसका फ्लावरिंग कब हुई थी, ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इट इज हैविंग एंड इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू वेरियस टूरिस्ट ऑल्सो। तो लास्ट टाइम इसकी फ्लावरिंग हुई थी 2006 में इन केस ऑफ सेप्टेम्बर में, और ब्यूटीफुल इतने इसके फ्लावर्स होते हैं एंड इट स्प्रेड होल ऑफ द सरफेस एंड वाज ए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू द टूरिस्ट आल्सो। कौन से एरिया में, जैसे कि साउथ इंडिया में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, ये पूरा का पूरा ये इट इज स्प्रेडिंग ऑल अलोंग उन दोज एरियाज, पूरा फैला हुआ है। एंड नेक्स्ट आता है वाटर हायकिंथ, एंड इसको भी एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। इट इज ए टाइप ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल दैट इज ए ऑफसेट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये क्या होता है, वन इंटरनोड लोन प्लांट होता है। वन इंटरनोड लोन मीन्स एक नोड पर देयर आर सम ग्रुप ऑफ लीव्स और रोजेट ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट एंड द एडवेंटिशियस एंड द और द फाइबरस रूट्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड, और दूसरी तरफ भी इसी तरह से लीव्स एंड रूट्स प्रेजेंट होती हैं दोनों नोड के बीच में, क्या इंटरनोड। यानी कि इसको हम वी कैन से कि ये पूरा का पूरा हम
प्लांट कह सकते हैं, और इसको हम टेरर ऑफ बेंगाल भी बोलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड सो, बिकॉज इट क्रिएटेड टेरर इन बेंगाल. फर्स्टली इट वॉज इंट्रोड्यूस इन बेंगाल फॉर इट्स ब्यूटिफुल कलर्ड फ्लावर्स. इतना सुंदर था, लेकिन इट क्रिएटेड प्रॉब्लम इन बेंगाल. कैसे प्रॉब्लम क्रिएट की? अब जैसे कि हमें मालूम है इट इज एन एक्वेटिक प्लांट. एक्वेटिक प्लांट और जहाँ पे भी स्टेग्नेंट वाटर होगा या वेयर देयर इज ए वेरी शॉर्ट ऑफ वाटर, वहाँ ये ग्रो करता है. एंड लेकिन थोड़े ही समय में इसका पूरा का पूरा इट स्प्रेड अलोंग होल ऑफ द सर्फेस ऑफ द वाटर बॉडीज, पूरा का पूरा स्प्रेड कर जाता है बाय मीन्स ऑफ दिस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से, और उससे क्या होता है, ऑल द एक्वेटिक लाइफ दे आर रिजाइडिंग ऑन इन साइड दैट वाटर इन दोज वाटर एरियाज, देयर लाइफ हैव कम इन टू डेंजर. क्यों डेंजर भी होगी? क्योंकि जितना ये ज़्यादा फैलेगा उतनी ही ऑक्सीजन ड्रॉ करता है वाटर से, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से व्हाट हैपेंस इन केस ऑन दोज एरियाज, एस्फिक्सिएशन ऑकर. एस्फिक्सिएशन क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दोज एरियाज वेयर दिस प्लांट ग्रो. तो लाइफ सारी की सारी क्या हो जाती है, एंड इकोलॉजिकल इम्बेलेंस इज क्रिएटेड ड्यू टू द एंडेंजरिंग ऑफ ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ दिस प्लांट. तो इस तरह से दिस इज रिगार्डिंग द वाटर हायरिंग. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वेरियस फेजेस दैट ऑकर इन केस ऑफ एनिमल्स. अब वो कौन कौन से फेजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सीजनल ब्रीडर्स. सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं. तो व्हाट आर सीजनल ब्रीडर्स? दे ब्रीड ओनली ड्यूरिंग देयर स्पेसिफिक सीजन्स. कोई भी स्पेसिफिक उनके लिए जो फेवरेबल सीजन होगा उसी में ही वो ब्रीड करते हैं. कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कौन कौन से आते हैं उसमें? जैसे फ्रॉग्स हैं, आपको पता है फ्रॉग्स किस सीजन में करते हैं? रेनी सीजन में वो ब्रीड करते हैं सबसे ज्यादा. नेक्स्ट आते हैं लीजर्ड्स और सम ऑफ दी बर्ड्स, मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स कह लो कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स होते हैं. इसके अलावा हम कह सकते हैं डियर. डियर भी क्या है? एक तरह का सीजनल ब्रीडर है. एंड नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर. कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं? दे कॉन्टिन्यूसली ब्रीड थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. कभी भी वो ब्रीड कर सकते हैं अपने लाइफ स्पैन में, एज वेल जब भी वो अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में आते हैं. तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कैटल, और हनी बी का ले सकते हैं, माइस का ले सकते हैं, एंड सम ऑफ दी पोल्ट्री बर्ड्स आल्सो. पोल्ट्री बर्ड्स की भी हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ मैन. क्या करते हैं वो लोग, जितने भी ये पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं, दे कैप्चर दीज बर्ड्स एंड और उनको ग्रो करते हैं अपने पोल्ट्री फार्म्स में, उनको रेयर करते हैं वी कैन से. कैसे कि अच्छी दे गिव देम न्यूट्रिशियस डाइट सो एज दे कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द वेजिटेटिव एग्स. वेजिटेटिव एग्स कौन से होते हैं? जिनमें एबिलिटी नहीं होती टू फॉर्म दी यंग वंस. तो इस तरह से वेजिटेटिव एग्स की प्रोडक्शन के लिए एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज डन बाय दीज पोल्ट्री फार्मर्स सो एज टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट. तो नेक्स्ट आता है हमारा देर आर सम स्पेसिफिक साइकिल्स दैट ऑकर इन सम प्राइमेट्स एंड इन सम नॉन प्राइमेट्स. उनको भी हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एस्ट्रस साइकिल. एस्ट्रस साइकिल किसमें चलती है? इट ऑकर्स इन नॉन प्राइमेट्स. नॉन प्राइमेट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं? जो भी काउ है, डॉग है, हॉर्स है, बफेलोज, जितने भी मंकी की फैमिली को, मंकी वाले ग्रुप्स को छोड़कर जितने भी दूसरे एनिमल्स हैं, दे ऑल कम अंडर दी किसमें आते हैं? वो नॉन प्राइमेट्स में आते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एस्ट्रस साइकिल? देयर इज अ सम स्पेसिफिक हीट पीरियड दैट हैज बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेजेस. रिप्रोडक्टिव फेजेस में एक स्पेसिफिक हीट पीरियड डेवलप होता है. उसमें क्या होता है? ड्यूरिंग दैट पीरियड अ फीमेल इज रेडी टू प्रोड्यूस, रेडी टू रिसीव द स्पर्म्स ऑफ मेल. और उस पीरियड में देयर आर सम डिफरेंट बिहेवियर्स दैट आर परफॉर्म बाय दीज फीमेल्स. फीमेल क्या करती हैं? उनके बिहेवियर साइज चेंज हो जाते हैं, जैसे उनकी आवाज़ में चेंज आ जाना, थोड़े से वो जोर से रंभाने सी लग जाती हैं. तो वो सारा का सारा जो सिस्टम होता है दैट इज टू अट्रैक्ट द मेल सो एज टू फर्टिलाइजेशन, टू परस्यू द फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस. तो उसके बाद एस्ट्रस साइकिल के बाद देयर कम्स दी पैसिव पीरियड. उस पैसिव पीरियड में क्या होता है? दे कम टू रेस्ट. वो क्या हो जाती है? पैसिव हो जाती है आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन.
और इसके अलावा इनकी जो इंटरनल बॉडी में चेंजेस आते हैं वो क्या होती हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव लाइनिंग जो भी होती है यूट्रस के अंदर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, दैट इज ऑल्सो स्लॉट ऑफ. स्लॉट ऑफ मीन्स वो भी निकल जाती है, बट इट इज एब्जॉर्ब बाय द यूट्रस और इंटरनल इनसाइड, इंटरनली इनसाइड द बॉडी, इट नेवर कम्स आउट. तो ये भी एक इनका चेंज होता है ड्यूरिंग द एस्ट्रस साइकिल में. नेक्स्ट आती है मेनस्ट्रल साइकिल. मेनस्ट्रल साइकिल तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे ही, लेकिन एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जाननी जरूरी है कि व्हाट हैपेंस इन दिस केस. मेनस्ट्रल साइकिल इज ए साइक्लिक पीरियड इन विच देयर आर अगेन some changes occurs in accessory ducts in reproductive organs, and there are also some hormonal changes that occur in case of primates. Primates कौन से हैं, जितने भी monkeys आ गए या even we can say human females जो वो भी इसमें ही आते हैं, या chimpanzees कह लो, या हम कह सकते हैं gorillas we can say, all they come into the primates. प्राइमेट्स में आते हैं वो और साइक्लिक चेंजेस होते हैं. अब इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेजेस. रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमन के केसेस में कहां से, प्यूबर्टी के से लेकर कब तक होता है, मेनोपॉज तक. तो ये डिटेल तो वी विल बी स्टडिंग इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन कि व्हाट हैपेंस इन मेनार्की एंड व्हाट हैपेंस इन मेनोपॉज. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर इज ए साइक्लिक चेंजेस ऑकर आफ्टर एवरी 28 डेज इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल. फीमेल में होती है और रिप्रोडक्टिव लाइनिंग इज अगेन यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है दैट इज स्लॉट ऑफ, वो भी स्लॉट ऑफ हो जाती है. और जो भी अनफर्टिलाइज्ड ओवम है या इंटरनल बॉडी की जो लाइनिंग है या अदर वेस्ट प्रोडक्ट है दैट कम्स आउट थ्रू द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. तो ये भी एक रेगुलर इवेंट है दैट हैपेंस इन केस ऑफ प्राइमेट्स एंड दिस इज नोन बाय द मेनस्ट्रल साइकिल. Now there is next, ये मेरे commercial exploitation of, I have already told you. तो इसके बाद there are some other specific terms that we have to study in detail, जो कि कुछ हमारी NCERT में दी गई हैं, जैसे कि parthenogenesis क्या होता है, उससे related मिलती जुलती कुछ other terms हैं that there is a need to tell, that I want to tell you, वो कौन कौन सी है. तो first of all, if we start with neotony. Neotony एक नई टर्म है, इट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी बट प्रीवियसली इट वॉज देयर, ये थी, दैट इज वाई देयर इज ए नीड टू स्टडी इट ऑल्सो. इसमें क्या है न्यूटोनी में, व्हाट हैपेंस इन दिस केस व्हेन सम एट यंग स्टेजेस सम ऑर्गेनिज्म दे स्टार्ट रिप्रोडक्शन. यानी कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक्सोलिटल लार्वा ऑफ एम्पाइस्टोमा और सेलेमेंडर बोल रहे, कि जितने भी ये सेलेमेंडर का लार्वा है इट स्टार्ट्स रिप्रोडक्शन एट एन अर्ली स्टेज. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नियोटोनी. नेक्स्ट आता है पीडोजेनेसिस. पीडोजेनेसिस जैसे कि पीडो किससे लिया गया है, चिल्ड्रन से रिलेटेड. जेनेसिस मींस जनरेशन. तो पीडोजेनेसिस का क्या मतलब है कि इन सम ऑर्गेनिजम्स, इन सम लोअर इनवर्टिब्रेट्स में हम कह लें, जैसे कि हम लिवर फ्लूक के में एग्जाम्पल लेते हैं, कि देयर आर डिस्टिंक्ट सम लार्वल स्टेजेस आर देयर इन देयर लाइफ साइकिल. उनकी लाइफ साइकिल में कुछ लार्वल स्टेजेस आती हैं. उन स्टेजेस में क्या होता है, वन लार्वा इज कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इनटू अनदर टाइप ऑफ लार्वा. तो वो चेंजेस क्या होती हैं, तो वो तो डिफरेंटली एक डिफरेंट आस्पेक्ट है और वो तो लाइफ साइकिल पढ़ने से ही पता चलता है. तो नेक्स्ट इज पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस व्हाट हैपेंस इन दिस केस, एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज कंप्लीटली डेवलप्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, आइदर इनटू मेल और इनटू फीमेल, या कंप्लीटली मेल में डेवलप हो जाता है या फीमेल में. तो उसको हम क्या देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस. तो पार्थिनोजेनेसिस भी अगर हम डिवाइड करें, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू मेल ग्रुप्स आल्सो, कंप्लीट और ऑब्लिगेट. व्हाट इज मेंट बाय दिस, कि इसमें क्या होता है, ओनली द ऑर्गेनिज्म दे रिप्रोड्यूस पार्थिनोजेनेटिकली ओनली. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेकराटा सेक्सिकोला. लेकराटा सेक्सिकोला इज ए नेम ऑफ ए रॉक लिजर्ड. इसमें क्या होता है, ओनली फीमेल, यानी कि फीमेल जो ओवम है, ओनली फीमेल आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवम, कि फीमेल ही प्रोड्यूस होते हैं एंड मेल्स दे आर नेवर नोन. और प्रोसेस कौन सा है, पार्थिनोजेनेसिस है, दैट मींस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ऑब्लिगेट पार्थिनोजेनेसिस.
इसके बाद नेक्स्ट अगर हम ले प्रोसेस को इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, इसमें क्या होता है इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में कि देयर इज ए फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एज वेल एज पार्थिनोजेनेटिकली प्रोसेस इज ऑल्सो देयर। अब इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल वी विल कम अक्रॉस इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में हम देखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा लेते हैं हनी बी का, हनी बी हम देखें तो उसमें जो फीमेल होती है इट इज हैविंग डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो डिप्लॉयड होती है और मेल इज ऑलवेज क्या होता है हैप्लॉयड, और मेल क्या बनता है हमेशा इट इज ऑलवेज डेवलप्ड फ्रॉम किससे बनता है हैप्लॉयड स्पर्म से ही बनता है। जब हैप्लॉयड स्पर्म्स किसमें डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं मैच्योर मेल में, तो ये एक प्रोसेस कौन सा होता है पार्थिनोजेनेटिक प्रोसेस। तो ये कैसे होता है जैसे कि इसमें एग्जांपल इसमें क्रोमोसोम नंबर बताए हुए हैं, इसमें हाउ मेनी क्रोमोसोम नंबर्स आर देयर 32 एंड दिस इज ए डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन दिस। इसमें क्या होगा व्हेन मियोसिस विल बी देयर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एग्स आर फॉर्म एंड स्पर्म्स आर फॉर्म, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन एग्स एंड 16 ही किसमें होते हैं स्पर्म्स में, दैट मींस कौन सी स्टेज आ गई है हैप्लॉयड स्टेज इज फॉर्म्ड एंड देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देयर 32 इसमें थे तो आधे इसमें हो गए आधे आधे मेल गैमेट में हो गए और आधे किसमें हो गए फीमेल गैमेट में। नाउ व्हाट हैपेंस अब इसमें जो फीमेल होगी जैसे ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब ज्वाइन करेंगे तो फिर से डिप्लॉयड फीमेल विल बी फॉर्म। फीमेल तो बनती है फर्टिलाइजेशन से, उनमें चाहे कोई क्वीन बने चाहे वर्कर बने, क्वीन और वर्कर ये डिपेंड करता है कुछ हार्मोनल कंडीशंस होती हैं और जिसके बेसिस पे वन क्वीन वन जो बी होती है दैट इज डेवलप मोर वो ज्यादा हो जाती है बढ़ जाती है उसको तो क्वीन बोलते हैं और इस क्वीन में ही क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है। बाकी जितनी भी होती है वर्कर्स या उनको हम ड्रोन्स बोलते हैं देयर क्या देयर डिप्लॉयड फीमेल, वो क्या होती है डिप्लॉयड फीमेल होती है। और स्पर्म्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जो स्पर्म्स होते हैं दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मेल अगेन, और इसका मतलब कि मेल जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं और फीमेल जो होती हैं डिप्लॉयड होती हैं। तो इस तरह से वी कैन से देयर इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट ऑकर्स इन हनी बी एज वेल एज पार्थिनोजेनेसिस ऑल्सो ऑकर इन दिस इन दीज एनिमल्स। तो दिस इज रिगार्डिंग नेक्स्ट इज वट आर डिफरेंट सब टर्म्स दैट कम अंडर दीज पार्थिनोजेनेटिक प्रोसेसेस, कुछ ऐसे दूसरी भी टर्म्स है दैट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड कौन कौन सी है। आर्गिनोटॉकी क्या होता है कि आर्गिनोटॉकी में वट हैपन्स इन केस ऑफ आर्गिनोटॉकी ओनली क्या कहते हैं ओनली फीमेल्स दे आर फॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ आर्गिनोटॉकी आर्गिनोटॉकी में क्या होता है ओनली मेल्स आर फॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हनी बी का एग्जाम्पल है तो इसमें मेल्स बनते हैं। और थाइलीटॉकी में ओनली फीमेल्स आर फॉर्म बाय पार्थिनोजेनेसिस जब फीमेल्स, इसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है लेकराटा सेक्सिकोला इज देयर। एंड वट हैपन्स इन केस ऑफ एम्फीटॉकी, एम्फीटॉकी में मेल्स आइदर मेल्स और फीमेल्स बोथ कैन बी प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, और इसमें एग्जाम्पल हम एफिड्स का लेते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग सम डिफरेंट टर्म्स दैट हैज बीन सम ऑफ देम हैज बीन मेंशन इन एनसीईआरटी एंड देयर आर सम टू और थ्री दैट आर एक्स्ट्रा। तो आपने वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि इसको फिर से एनसीईआरटी के बेसिस पे आपने इसको चैप्टर को पढ़ना है, इस पेज पे जिस पेज पर ये दिए गए हैं सबके सब टर्म्स एंड कंडीशंस दैट हैज बीन मेंशन उनकी सब डिटेल एस्पेक्ट मैंने आपको बताई दी है, तो उसकी आपने डेफिनेशंस को लर्न करना है। हनी बी की लाइफ साइकिल इट विल कम अगेन इन आवर नेक्स्ट लेसंस, तो उसमें फिर थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगी मैं। और दिस इज रिगार्डिंग द वेरियस अदर टर्म्स एंड कंडीशन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट आर वेरियस इवेंट्स दैट हैपन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो कौन से इवेंट्स होते हैं तो उनको हम ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो दे आर डिवाइडिंग इनटू थ्री मेन इवेंट्स, कौन कौन से प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स